हेलो, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स. माय नेम इज डॉक्टर अश्विनी अमिट्टा. आई एम अ पीडोडोंटिस्ट. आई एम प्रैक्टिसिंग इन द सिटी ऑफ औरंगाबाद सिंस लास्ट 10 इयर्स. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज अ स्पेस मेंटेनर. बहुत बार ऐसे होता है मेरे पेशेंट्स को, पेरेंट्स को, जब मैं समझाती हूँ कि इफ़ आपके बच्चे का दांत जब गिरना चाहिए उससे पहले गिर गया, लाइक इफ़ देर इज अ नीड ऑफ टूथ टू बी रिमेन इन अ माउथ फॉर एटलीस्ट 4-5 ईयर्स एंड उसके पहले ही वो गिर गया, देन वहाँ पे आपको स्पेस मेंटेनर देना चाहिए. स्पेस मेंटेनर मतलब जो दांत की जगह है वो आपको वैसी ही मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि दूध का दांत गिर जाने के बाद जब उसके जगह पे परमानेंट दांत आएगा तब उसको सफिशेंट स्पेस, सफिशेंट रूम अवेलेबल होना चाहिए फॉर इट्स इरप्शन. सो अगर स्पेस मेंटेनर नहीं दिया गया तो उस टाइम पे पीछे वाले दांत आगे आने की कोशिश करते हैं, आगे वाले दांत पीछे जाने की कोशिश करते हैं, और उस वजह से जो दांत नीचे है, मतलब जो दांत बोन में है, वो वही के वही इम्पैक्ट हो सकता है, लाइक वही के वही रुक जा सकता है. सो पेरेंट्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेस मेंटेनर्स. जैसे सपोज यहाँ पे आपका दांत नहीं है तो हमें ऐसा एक बैंड टूथ के ऊपर अडैप्ट करना पड़ता है और उसको ऐसे आगे एक वायर लगा के एक्सटेंशन करके ऐसा स्पेस मेंटेनर बनाना पड़ता है. तो इसमें क्या होता है कि आपका पीछे वाला दांत पीछे ही रहेगा, आगे वाला दांत आगे ही रहेगा, और इस वायर के बीच में यहाँ पे आने वाला दांत बराबर से आएगा. सो इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें का ये एक है बैंड एंड लूप स्पेस मेंटेनर. अगर आपके दोनों आपके बच्चे के दो दांत नहीं है, दोनों दांत मिसिंग है, देन यहाँ पे हम लोग ऐसा दो दांतों पे बैंड अडाप्ट करते हैं और आगे ऐसा एक्सटेंशन बना के यहाँ पे एक एक्रिलिक बटन लगा के ऐसा स्पेस मेंटेनर बनाते हैं. इसको नैन्स पैलेटल आर्च बोलते हैं. सेम वे में आप ऐसा, हम लोग ऐसा भी एक स्पेस मेंटेनर देते हैं जो पीछे की तरफ एक्सटेंड होता है अपने पैलेट के. जो मिसिंग दांत है वो बराबर से इस जगह पे आने के लिए ऐसे प्रकार का भी एक स्पेस मेंटेनर बना जा सकता है. और ये लोअर आर्च है, जैसे आपका नीचे का हिस्सा, तब ऐसे टाइप का स्पेस मेंटेनर बनाते हैं. तो बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये वायर के वजह से बच्चे को खाने में तकलीफ होगी क्या, तो कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम ये स्पेस मेंटेनर मुंह में फिक्स कराते हैं, जिसके वजह से आपको ना ये खाने के टाइम पे निकल सकता है, ना ब्रशिंग के टाइम पे निकल सकता है. जब आफ्टर अ विजिट ऑफ ईच एंड एवरी 6 मंथ्स इफ यू विजिट अ डेंटिस्ट, तब उनको पता चल जाता है कि दांत की पोजीशन अभी कहाँ पे आ चुकी है. अगर दांत इरप्ट होने के इसमें है, जल्दी बाहर आने के तैयारी में है, तो हम लोग ये स्पेस मेंटेनर निकाल देते हैं. तो इट इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर एंड यूजफुल प्रोसीजर टू अवॉइड फ्यूचर माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ. आगे जाके दांत आड़े टेढ़े ना आए, इसीलिए योग्य समय पे ही दांतों को ये इस प्रकार के स्पेस मेंटेनर्स लगा के आपके बच्चे के दांत अच्छे रह सकते हैं. थैंक यू.